अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप भी तोतों के शौकीन हैं, तोते रखना चाहते हैं, अपने हाथ पर बातें सिखाना चाहते हैं, इनको जंगलीपन से बचाना चाहते हैं, तो ये तरीका आपने इस्तेमाल करना होगा। तो इंशाल्लाह आपका जो तोता है ना, नहीं तो आपको बैट करेगा और टॉकिंग करेगा और अच्छी टॉकिंग करेगा। अच्छा, ये जो पहाड़ी तोते हैं, इनकी जितनी तारीफ की जाए ये उतनी कम होती है, क्योंकि पहाड़ी तोता तो ऐसा है ना, ये कम से कम मेरे पास भी तोते थे, ये मुकम्मल अल्लाहू बोल रहे होते हैं, सुभान अल्लाह, ला इला बिस्मिल्ला, तो इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम होती है। तो ये जो काठिया और ऐसे वगैरह वगैरह होते हैं, ये नहीं बोलते हैं, इनके साथ हम लोग मेहनत करते रहते हैं, टोटल 4-5 लफ्ज़ बोल रहे होते हैं, मिठू बेटे, चूरी, बस ये ऐसे बाबे पापा का बेटा, तो ऐसे बोलते रहते हैं। ये जो पहाड़ी तोता है, इसको आप रखें तो इंशाल्लाह ये आपका जो तोता है ना, बहुत ही अच्छी टॉकिंग करेगा, बहुत ही बेस्ट होगा। तो ये देखें इनकी मस्ती, आप चेक कर सकते हैं, ये आप मस्ती चेक करें। तो इनका थोड़ा सा अंदर में डर होता है, वो डर ख़त्म करना होता है, क्योंकि हमारे तोते जंगली हो जाते हैं, जंगलीपन इख्तियार कर लेते हैं, हमें काट रहे होते हैं, वो इसलिए काट रहे होते हैं कि हम उनको हाथ पर नहीं उठाते हैं, क्योंकि जब हम हाथ पर उठाएंगे उनको, उनसे प्यार करेंगे, तो वो कभी भी जंगलीपन इख्तियार नहीं करेगा। अच्छा, मज़े की बात ये मैं आपको बता दूँ, ये जो पहाड़ी तोता है ना, ये ऐसा तोता है, ये हमारे बच्चे छोटे छोटे इनको उठाए होते हैं, इनको जो है ये बिल्कुल भी नहीं काटते हैं, बिल्कुल नहीं काटते हैं। जो तोता बैट कर रहा होता है, तो वो हमारी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से वो बैट कर रहा होता है, वो हमसे नाराज़ होता है, तो उसकी वजह से हमें जो है ना, वो बैट कर रहा होता है, हमारे बच्चों को कर रहा होता है। ये जो है हमारे छोटे छोटे बच्चे, इनको उठाएं, इनको फेंकते रहते हैं, इनको चोंच से पकड़ते हैं, कभी किस चीज़ से पकड़ते हैं, तो ये कभी भी उनको नहीं काटते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जो है ना, बेस्ट और अच्छे टॉकिंग पैरेट हैं। अच्छा, ये जो काठिया है हमारे इलाके का है, वो 3-4 लफ्ज़ बोलता रहता है, फिर जो है वो काटता भी है, वो एक बंदे के साथ उसकी लगती है, दो बंदे के साथ लग जाती है, फिर काटता रहता है। अच्छा, इसको शुरू के दिनों में थोड़ा सा आपने ट्रेन करना होगा, तो ज़िंदगी भर जो एक तो आपने इसको सिखाया होगा, दूसरा जो है ये कभी भी कहीं भी जाएगा तो ये नहीं काटेगा, 1-2 दिन ये मसला करेगा, 1-2 दिन जो है ये बात नहीं करेगा, किसी नई जगह पर जाएगा तो फिर ये बात भी करने लग जाएगा। ये पहाड़ी तोता तो ऐसा होता है, ये बहुत ही बेस्ट होता है। आप ये रखना चाहते हैं तो छोटा सा आप बच्चा खरीद लें, तो उस आप छोटा सा बच्चा खरीदेंगे, उनको आप फीड करें, तो इंशाल्लाह वो चंद दिन के अंदर अंदर वो बोलने भी लग जाएगा, वो टॉकिंग पैरेट भी होगा, वो आपके बच्चों को भी नहीं काटेगा, तो वो बहुत ही बेस्ट होगा। हमारी माने तो बड़े खरीदने से, जंगली खरीदने से, तो उसको छोड़ें, आप छोटा सा बच्चा खरीद लें, तो उनकी आप खिदमत करें, तो इंशाल्लाह वो आपकी शौक भी पूरी हो जाएगी, तो वो बोलने भी लग जाएगा, हाथ के ऊपर भी बोलने लग जाएगा, वो बहुत ही अच्छा और बेस्ट होगा। क्योंकि ये जो पहाड़ी तोता है ना, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, कम से कम 20 से 25 लफ्ज़ ये बोलते रहते हैं, अल्लाहू, सुभान अल्लाह, ला इला, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्ला, तो पापा का बेटा, तो ये बहुत ही अच्छे और बेस्ट लफ्ज़ जो हैं ये बोलते रहते हैं, तो इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी भी ये कम होती है। तो ऐसा तोता आप रखें बिल्कुल, जो ये पहाड़ी तोता है, ये बहुत ही प्यार करने वाला और बेस्ट होता है, क्योंकि ये जो काठिया होता है, ये होता है, ये ना इतना खूबसूरत भी नहीं होता है, ज़्यादातर ये बातें भी नहीं करता है। अच्छा, ये जो होता है ये प्यार भी करता है, ये देखें अभी ये थोड़ा सा मस्ती में आया हुआ है, तो ये प्यार भी करता है और बेस्ट भी होता है। तो व्यूअर, आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जो भी मैं तोतों की वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो नई बात के साथ, अस्सलाम वालेकुम।